अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज लेक्चर नंबर 79 और आज हम बात करेंगे वोकेबलरी बिल्डिंग के हवाले से। ये सबसे अहम हिस्सा है आपकी तैयारी का, क्योंकि वोकेबलरी के बगैर आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ लिख नहीं सकते। राइटिंग के लिए और अच्छे एक्सप्रेशन के लिए और इवन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड कंपोजिशन के लिए तो खास तौर पे वोकैब का एक पोर्शन है जिसको अटेम्प्ट करना होता है। तो हाउ टू बिल्ड योर वोकैब, ये सबसे अहम हम टॉपिक पे बात करेंगे। इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स और टेक्निक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, एंड होपफुली दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। तो इट इज द बैक बोन ऑफ योर प्रेपरेशन फॉर ऑल CSS PMS पेपर्स, क्योंकि अगर आपकी वोकैब नहीं है तो उसके बगैर आप कुछ लिख नहीं सकते। यू कांट राइट विदाउट वोकैब रिजर्वायर इन योर माइंड। आपके माइंड में एक नेचुरल वोकैबलरी रिजर्व एक रिजर्वायर होना चाहिए, और ये अच्छी इफेक्टिव राइटिंग की बुनियाद है। अगर आपको अपने ख्यालात को अल्फाज देना नहीं आता तो आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते, और अगर इफेक्टिव राइटिंग नहीं करते तो फिर ये आपके लिए एक बहुत बड़ा हैंडी हैंडीकैप है एज फार एज दी कंपेरेटिव एग्जामिनेशन लाइक CSS एंड PMS आर कंसर्न। तो सबसे सिग्निफिकेंट है वोकेबलरी को बिल्ड करना। देर इज नो शॉर्टकट टू बिल्डिंग योर वोकैब, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन हम कुछ आपको तरीके बताएंगे जो आपको ये जो प्रोसेस है वोकेबलरी बिल्डिंग का, इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे और आपको अच्छा लगेगा कि समझ आएगी कि कैसे आपने वोकेबलरी बिल्ड करनी है, डिक्शनरी को यूज कैसे करना है, और आपको वर्ड्स का जो रिलेशनशिप है वो समझ आएगा कि वर्ड्स एक वर्ड से दूसरा वर्ड ड्राइव कैसे होता है। कीप ऑन बिल्डिंग योर वोकेबलरी नेचुरली। जनरली ये हर रोज आप कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और उसको उसको वोकेबलरी नोट करते हैं, डिक्शनरी में अल्फाज देखते हैं, नेचुरली इस तरीके से आपकी वोकेबलरी बिल्ड होती है। और फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि लिखने के लिए लामहाला तौर पे आप अपने माइंड से क्वेश्चन करते हैं कि मुझे ये वोकेब चाहिए, तो आपका माइंड कहीं ना कहीं से वो वोकेबलरी ला के देता है। जब आप अपने माइंड को कंसिस्टेंटली चैलेंज करते हैं, लिखना एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके दौरान आप अपने माइंड को चैलेंज कर रहे होते हैं। जितना आप अपने माइंड को चैलेंज करते हैं उतना ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म करता है। और ये वोकेबलरी बिल्डिंग का असूल ये है कि आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली लिखना स्टार्ट करें। हर रोज मैं रिकमेंड करता हूं 2 से 3 पैराग्राफ आप जरूर लिखें। ये है जो इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की स्ट्रेटेजी के ऊपर पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। उसमें एक पोर्शन था कि करंट यूजेज करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम एंटोनिम। असल बात यह है कि इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन में 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, जो कि वोकैब बेस्ड है। फिर उसके बाद इडियम्स जो है वो आपके वोकैब के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ नंबर हासिल करने के लिए इस तरह यानी डायरेक्ट तौर पर भी ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपने किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करना है, आप उस वक्त तक रेलेवेंट हो गया, जब तक आपके पास नहीं होगी तब तक आप उसके जो अच्छे मार्क्स हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली दोनों लिहाज से वोकेबलरी जो है वो एक एस्पायरेंट की बहुत बड़ी जरूरत है। सबसे पहले हम आते हैं डिक्शनरी यूज करने की तरफ। इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, लेकिन आज हम इस पर एनहेंस करते हैं कि आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल पेपर है, कंपलसरी पेपर है, जो कोई कुछ भी पढ़ रहे हो, आप उस वक्त आपको डिक्शनरी यूज करनी चाहिए जब आप कोई वर्ड ऐसा देखते हैं जो कि नया वर्ड है, आप फेमिलियर नहीं है उससे, और ऐसा वर्ड जिसके मीनिंग आपके जहन में क्लियर नहीं है, तो आप उसके लिए डिक्शनरी यूज करें। फिर उस वर्ड की फैमिली चेक करें, इंस्टेड ऑफ चेकिंग वन वर्ड आप उसकी पूरी फैमिली को देखें। फिर उस वर्ड का देखें कि इसका वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, उसका सेंटेंसेस में इस्तेमाल देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन विच सेंस द वर्ड इज यूज्ड। बाज़ ऐसा भी होता है कि एक वर्ड मुख्तलिफ
सेंसेस में यूज होता है, एक ही वर्ड के मुख्तलिफ शेड्स ऑफ मीनिंग होते हैं। ये देखना चाहिए कि ये यहाँ पे इस रीडिंग में, इस पैराग्राफ में ये वर्ड किस सेंस में यूज हुआ है। फिर आप अपने इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी नेचुरली तौर पे बिल्ड होगी, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ आप देखते जाएं, जो भी मुश्किल वर्ड है उसको देखते जाएं। बी ए वोरेशियस रीडर एंड राइट एटलीस्ट टू पैराग्राफ से दे, ये जो हमने पहले बात की। अब हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी वर्ड को जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो आप उसका मीनिंग तो देख लेते हैं, लेकिन साथ साथ उसका सेंटेंस भी देखा करें कि सेंटेंस कैसे बना हुआ है। अच्छी डिक्शनरी जो है उनमें एक क्वालिटी होती है कि वो ना सिर्फ एक वर्ड का मीनिंग देती हैं, बल्कि साथ उसका एक सेंटेंस भी बना हुआ होता है कि इस वर्ड को यूज कैसे किया गया है सेंटेंस में, साथ प्रपोजिशन कौन सी लगी है, ये सारी चीजें आपको वो डिक्शनरी बताती है। मिसलन एक वर्ड है इंडॉक्ट्रिनेट, ये है वर्ब, तो इसका मतलब होता है किसी इंसान के अंदर कोई बिलीफ या ऐसे ख्याल डाल देना कि वो उसी के मुताबिक ही परफॉर्म करे। They had been indoctrinated with these religious beliefs from an early age. यानी अब ये एक उसका सेंटेंस में जब यूज आप देखेंगे या खुद लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी उसके सेंस की, और ज्यादा देर तक ये आपको, बल्कि ये आपके वोकैबुलरी का हिस्सा बनता जाएगा, आपके आपकी मेंटल रिजर्वायर का हिस्सा बनता जाएगा। फिर इसका नाउन है इंडॉक्ट्रिनेशन। इस वर्ड को ऐसे यूज किया जा सकता है रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन या पॉलिटिकल इंडॉक्ट्रिनेशन, ये नहीं, एक टर्म हो गई, तो ये आपको इस तरीके से समझ आ जाएगा। पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे एक अपना रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं जिसका नाम रखें वोकैब रजिस्टर, जिसमें कोई भी नया वर्ड देखें तो उसका सेंटेंस लिखते साथ। आपको किसी वर्ड का मीनिंग जरूर देख लें, लेकिन उसको मीनिंग को क्रैम करने की बजाय आप उसको माइंड में रखें, उसका सेंटेंस देखें और सेंटेंस को गौर से देखें, सेंटेंस के ऊपर थोड़ा वर्किंग करें। तो पॉइंट यहाँ पे क्रक्स ये है कि आप किसी वर्ड के मीनिंग को क्रैमिंग ना करें, बल्कि उसका मीनिंग समझ के उसको सेंटेंस में उसका यूज देखें और खुद अपने वोकैब रजिस्टर में लिखने की कोशिश करें। मतलब एक वर्ड है इंड्यूस, इंड्यूस का मतलब है किसी को इंसेंटिव देना। द सैलरी वाज टू शॉर्ट या टू लेस टू इंड्यूस मी टू ज्वाइन द जॉब, यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि इस वर्ड की स्पिरिट को, इसके पूरे मीनिंग को एक्सप्लेन कर देता है। इंड्यूसमेंट इसका नाउन है, मतलब फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट है, कोई भी किसी किस्म की पॉलिटिकल इंड्यूसमेंट है, तो ये इस तरह आप इस वर्ड को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसी तरह एक वर्ड है एग्जेजरेट, इसको आपने कैसे देखना है, पहले तो इसका वर्ब में देखेंगे। एग्जेजरेट मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के पेश करना, मुबालगा आराई करना। अब इसका सेंटेंस क्या बन सकता है या क्या होगा डिक्शनरी में, मतलब ये था थिंग्स वर नॉट एज मच बैड, ही इज एग्जेजरेटिंग द सिचुएशन। तो यहाँ से इस सेंटेंस से एग्जेजरेटिंग का मतलब जो है वो क्लियर कट समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। फिर आगे इसका एडजेक्टिव बनता है एग्जेजरेटेड, ही हैज मेड एग्जेजरेटेड क्लेम्स अबाउट हिज बिलोंगिंग्स। इसका एडवर्ब है एग्जेजरेटेडली, ही स्टेटेड द प्रॉब्लम्स एग्जेजरेटेडली। इसके बाद वर्ड है एग्जेजरेशन जो कि नाउन है, इट वुड बी एन एग्जेजरेशन टू से दैट ही इज फिल्दी रिच, ही बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। तो एग्जेजरेशन नाउन है, इस तरीके से वर्ब एडजेक्टिव नाउन एडवर्ब, ये आपने समझना है कि एक वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स कैसे बन जाते हैं, इनको हम डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, फैमिली ऑफ वर्ड भी कह सकते हैं। तो जब भी आप एक अनफेमिलियर वर्ड को डिक्शनरी में देखने जाएं, उसके डेरिवेटिव्स और उसके जो फैमिली है उसको जरूर देखें, ताकि आपको वर्ड्स ये समझ आए कि वर्ड्स बनते कैसे हैं, एक वर्ड से मुख्तलिफ वर्ड्स कैसे डराइव होते हैं, ये आपको बात समझ आनी चाहिए। जैसा कि ये फैमिली ऑफ वर्ड है, एक वर्ड है सिंपल एक्ट, अब इसे एक्ट ऑफ गार्ड है, एक्टिंग है, एक्शन, एक्शनेबल, एक्शन ग्रुप, एक्शन पैक्ट, एक्टिवेट, एक्टिव, एक्टिव लिस्ट, एक्टिव सर्विस, एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म, एक्टिविटी, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से बने हैं और वो है एक्ट। तो अब आप जब एक वर्ड को देखने जाएं और उसकी पूरी फैमिली के ऊपर आप थोड़ा एनालिसिस कर लें, तो आपकी जो वोकैब है वो बजाय वन टाइम इंक्रीज होने के वो मैनी टाइम बढ़ेगी। मतलब एक वर्ड को देखने के लिए आपने 15-20 वर्ड देख लिए और आपको याद रखने में भी आसानी होती है, क्योंकि आप एक सीक्वेंस में याद रख रहे होते हैं। इस तरीकाकार को अडॉप्ट करने से क्या फायदा होगा आपको कि आपकी वोकैब जो है वो मैनीफोल्ड मैजिकली बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाएगी, जब आप वर्ड्स का आपस में रिलेशन भी समझेंगे, उनका सेंटेंसेस में यूज भी समझेंगे और उनको फिर अपनी राइटिंग में लेके आएंगे। इस तरीके से आपकी जो
वोकेबलरी है वो मेनी टाइम बढ़ेगी। फिर एक वर्ड है करेक्टर, करेक्टर एक नाउन है, तो इसका इससे भी मुख्तलिफ वर्ड डिराइव होते हैं, करेक्टर एक्टर है, करेक्टरफुल है, करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिकली है, करेक्टराइजेशन है, करेक्टराइज है, करेक्टरलेस है, करेक्टर रिकग्निशन है। इन एक ही वर्ड देखने के लिए गए आप डिक्शनरी में और आपने उसका पूरा डेरिवेटिव पूरी फैमिली को उठा के देख लिया, तो वर्ड्स का आपस में रिलेशन समझना है, उनका सेंटेंसेस में यूज समझना है, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक वर्ड है टूर, अब टूर से मिसाल के तौर पर टूरिज्म बनता है, टूरिस्ट, टूरिस्ट ट्रैप, टूरिस्ट, टूरिस्टी। तो ये वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स आप देख सकते हैं डिक्शनरी में और आपको फिर समझ भी आएगी, जब आप इस तरीके से वर्ड देखेंगे तो आपको समझ आएगी। इसके बाद एक टर्म है फ्रेजल वर्ब, मिसलन एक ही वर्ब है उसके साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लग के उसके मीनिंग को चेंज कर देती है, जैसा कि लुक है तो इसके साथ ये डिफरेंट प्रपोजिशन लगी तो इनके मीनिंग इन इन फ्रेजल वर्ब के चेंज हो गए। जब आपकी इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से भी आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी और आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बेहतर होगी। याद रखिएगा आपने हमेशा उसका मीनिंग देख के सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस किस तरह बना हुआ है। फिर है एक टर्म होती है प्रीफिक्स बेस्ड वोकैबुलरी। प्रीफिक्स वो वर्ड है जो किसी भी टर्म के या शुरू में लगा होता है, मतलब एक वर्ड है बायो, बायो का मतलब है रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ या एनी लाइफ, बायो बैंक है, बायो ब्रेक है, बायो केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट है, बायो कन्वर्जन है, बायो डेटा, बायोडिग्रेडेबल, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो एंड, बहुत सारे वर्ड इस तरीके से बनते हैं। तो आप बायो देखने के लिए गए और आपने पूरा देखा कि बायो कहाँ कहाँ किस किस वर्ड के साथ लग सकता है। ये वो चीजें हैं जो अहले जबान ने तय कर दी हैं। अब आप हर वर्ड के साथ बायो नहीं लगा सकते, वही उन्हीं वर्ड के साथ लगेगा जिन वर्ड्स का डिक्शनरी में मेंशन होगा। हमने जबान को इन्वेंट नहीं करना, हमने जो बनी बनाई जबान है जो उसी को हमने डिस्कवर करना है, उसी को सीखना है। वी आर नॉट हेयर टू इन्वेंट न्यू वर्ड्स, वी आर हेयर टू डिस्कवर न्यू वर्ड्स। हाउ टू मेक एंटोनिम बाय अप्लाइंग सर्टेन स्पाइसेस, मसलन इन जो है, इन जब आप किसी टर्म के पीछे लगाएंगे तो वो उसका उल्ट बन जाता है, लेकिन याद रखें हर टर्म के पीछे आपने इन लगा के उसको उल्ट नहीं करना। अगेन जो अहले जबान ने, जो जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स हैं, जो अहले जबान है, वो उनका ही है कि किस वर्ड के पीछे इन लगा के उसको अपोजिट करना है। कुछ वर्ड इन से होते हैं, कुछ वर्ड इल से होते हैं, उल्ट होते हैं, एंटोनिम बनते हैं, और कुछ वर्ड इम से बनते हैं। इन इनडिबल है, इन एफेबल है, इनफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, इनएलिजेंट है, इनएप्ट है, इनइक्वालिटी है, इनक्रेजिबल, यानी लव्स असल था इक्वालिटी मिसाल के तौर पे, इसके पीछे इन लगा के इसको उल्टना दिया। इसी तरह कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके पीछे आई एल लगने से जो है वो उल्ट हो जाता है, और ये वो वर्ड होते हैं जो आम तौर पे एल से स्टार्ट हो रहे थे, मतलब लीगल है, लेजिबल है, लेजिटिमेट है, लिसिट है, लिटरेट है, लॉजिकल है, ऐसे वर्ड के पीछे अगर आप आई एल लगाएंगे तो वो उसका उल्ट बन जाता है। इसी तरह इम है, तो ज्यादातर वो वर्ड जो एम से स्टार्ट होते हैं, मसलन मोबाइल या मिसेबल, मेमोरियल, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिनके पीछे अगर आई एम लगाएंगे तो वो उल्ट हो जाएगा। इम्बैलेंस है, असल वर्ड मटेरियल है, उसके पीछे आई एम लगाया तो उसका उल्ट बन गया। मैच्योर है, उसके पीछे आई एम लगाया तो इमैच्योर हो गया। तो इस तरीके से आपने वर्ड्स का रिलेशन समझना है। फिर सफिक्स बेस्ड वोकैबुलरी होती है, जैसा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे एक और जो लहका है वो अगर आप लगाएंगे तो वो उसके मीनिंग चेंज कर देता है। लीडर के बाद अगर लेस लगाएंगे, करेक्टर लेस है, मीनिंग लेस है, ट्री लेस है, टेस्ट लेस, तो कुछ ऐसे वोकैब है जिसके साथ आप सर्टन सफिक्स लगा के उसके मीनिंग को चेंज करते हैं, एंटोनिम बनाते हैं। The more trouble you take, the greater reward you have. याद रखें कि ये कंफर्टेबल प्रोसेस नहीं है कि आप एक रीडिंग कर रहे हैं और आप कोई मुश्किल वर्ड आया उसको देखने के लिए पहली टेम्पटेशन ये होती है कि मैं इसको इग्नोर कर दूं, आगे चलूं। लेकिन आपने इस टेम्पटेशन पे काबू पाना है, आपने वहां पे ही निशान लगा के डिक्शनरी खोलनी है और उसका डिक्शनरी में उस वर्ड को ढूंढना है, उस वर्ड की फैमिली देखनी है, उसका सेंस देखनी है कि ये एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है, क्या है, उसके बाद उसका पूरा जो फैमिली देखनी है, उसका यूज एंड सेंटेंसेस देखना है, और फिर उसके बाद आपने दोबारा किताब की तरफ वापस आना है ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो उस वर्ड के बारे में। द बेस्ट स्टेप टू डेवलप योर वोकैब इज राइट रेगुलरली। ये बात मैं पहले कह चुका हूँ कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप अपने माइंड को चैलेंज करते हैं और इस तरीके से आपका माइंड ज्यादा प्रोफिशिएंट बनता है, ज्यादा आप इफेक्टिव होता है राइटिंग के लिहाज से।
राइटिंग जो है ये एक इंटरेस्टिंग चीज है. राइटिंग इज प्लेइंग विद वर्ड्स, लर्न टू प्ले दिस गेम. ये इतना इंटरेस्टिंग काम है कि इट इज वन ऑफ द प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव हॉबी. राइटिंग जो है ये बिल्कुल ऐसा ना समझे कि बोरिंग काम है, ये इंतहा इंटरेस्टिंग काम है. आपने सीखना ये है लफ्जों के साथ खेलना कैसे है. ये अगर आपको स्किल आ गई, इट्स ए स्किल, राइटिंग इज ए स्किल, अगर ये स्किल आ गई तो ये आपके लिए एक इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि आपके लिए कोई वीडियो गेम देखना. ये इतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कि आप एक अगर स्पोर्ट्स मैन है, आप टेनिस खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, एंजॉय करते हैं. राइटिंग इज जस्ट लाइक जॉयबल एक्टिविटी. ये चीज जो भी मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी. अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अक्सर मुझसे एस्पायरेंट्स करते हैं कि हमें मुश्किल इंग्लिश लिखनी चाहिए या आसान इंग्लिश लिखनी चाहिए. देखें, ये डिसाइड आपने नहीं करना. आप जैसी इंग्लिश लिख सकते हैं वैसी लिखें, लेकिन कोशिश करें कि आप एक सिचुएशन है उसके लिए जो प्रॉपर टर्म है वही यूज़ करें. मसलन अगर आपने बयान करना है कि महंगाई का जिक्र करना है तो उसके लिए प्रॉपर वर्ड है इन्फ्लेशन. तो जो सिचुएशन आप बयान करना चाहते हैं उसके बारे में जो प्रॉपर वर्ड है वो यूज करें. आप अगर ये लिखेंगे कि चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी जगह पर अगर आप ये लिखें कि इन्फ्लेशन है, तो ये प्रॉपर है. इसी तरह अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग को रेफर करना है कि दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, तो उसकी जगह पर आप ग्लोबल हीटिंग का वर्ड यूज ना करें. आप लिखें ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है. तो करेक्ट टर्म फॉर द थिंग आर सिचुएशन टू बी एक्सप्रेस्ड, जो भी करेक्ट टर्म है वो यूज करें. दूसरी बात ये है कि आप फेमिलियर और पॉपुलर वर्ड्स को यूज करें. मतलब एक लफ्ज़ है जिसका जो ज्यादा पॉपुलर है, आप उसके सेवनम ना लगाएं, यानी उसके मुश्किल सेवनम ना लेके आए उस जगह पे. एक सिचुएशन को बयान करने के लिए जो पॉपुलर वर्ड है वो यूज करें. मसलन एक टर्म है डेमोक्रेसी, इसकी जगह पे आप अगर लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, तो ये एक पॉपुलर वर्ड नहीं है. एक सिचुएशन को जो प्रॉपर वर्ड एक्सप्लेन करता है वही बयान करें. जो फेमिलियर वर्ड है, जो पॉपुलर वर्ड है, वो आप पॉपुलर वोकैब को आपने यूज करना है. जितना आसान लिख सकते हैं उतना आसान लिखें, मुश्किल एक्सप्रेशन की तरफ ना जाए. लेकिन अगर आप नेचुरली आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो चुका है और आप की कमांड आ चुकी है, तो फिर आप उसको उसी फ्लो में लेके चल सकते हैं. लेकिन मैटर ये नहीं करता कि आप आसान लिखते हैं या मुश्किल लिखते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना एग्जैक्ट लिखते हैं, कितना प्रॉपर लिखते हैं, कि जो चीज आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं उस चीज के रिलेवेंट आप वही पॉपुलर वोकैब इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उसके बारे में इन वेग है, इन फैशन है, जो कि यूज होती है. मैटर ये करता है कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, आपकी ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, आपकी लिखने में कोहेरेंस होनी चाहिए. यानी जो आप पहली बात कर रहे हैं दूसरी बात उसे लिंक हो, बात से बात निकालें, सीक्वेंस हो, लॉजिकल सीक्वेंस हो फ्लो ऑफ आइडियाज में. फिर आखिरी बात है यूनिटी, कि अगर आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें एक बात करें, दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात करें, एक बात के अंदर दूसरी बात ना घुसाएं. एक पैराग्राफ में एक आइडिया के ऊपर बात कर रहे हैं तो उस आइडिया को डेवलप कर रहे हैं, उस आइडिया को कंक्लूड करें और फिर नई बात स्टार्ट करें. ये है यूनिटी. तो उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन भी एड्रेस हो गया होगा इसमें. बहुत शुक्रिया. स्टे ब्लेस्ड. होपफुली दिस लेक्चर वुड बी यूजफुल फॉर यू. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.